तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऐड टू एल्बम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्राइवेट एल्बम का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से यदि आपको भी नहीं मिल रहा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी गैलरी के अंदर कोई फ़ोटो को प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल के अंदर ये जो गैलरी ऐप है आप देख सकते हैं, तो आपको उस पर इस प्रकार से प्रेस करके रखना है। जब यहाँ पे आप इसको दबा के रखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ऐप इन्फो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है अनइंस्टॉल अपडेट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ समय इंतज़ार करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी गैलरी ऐप को यदि खोला हुआ तो इस प्रकार से हटा देना है। और हटाने के बाद दोबारा आपको अपनी जो गैलरी ऐप है इसको इस प्रकार से खोलना है। यहाँ पे जो फोटो है और जो वीडियो है उसको यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना है। फिर यदि आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उनको प्राइवेट करना चाहते हैं, आप इसको छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड टू एल्बम पे क्लिक करके यहाँ पे प्राइवेट एल्बम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इन फोटो को छिपा सकते हैं। कैसे छिपाते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।